जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब नूं मनजीत सिंह जी के लिखिया पत्र दिल्ली कमेटी प्रबंध तो सिरसा कालका नूं लांबे करन उपरंत जांच करवाउण लई कहा। चमन सिंह शाहपुरा बने जागो दे दिल्ली स्टेट प्रधान बिट्टू नूं दखनी दिल्ली जिले का बनाया प्रधान। नवी दिल्ली श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह वल्लों बीते दिनी दिल्ली सिखी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के मामलों की जांच लई कमेटी बनाने बारे किए गए ऐलान से जागो पार्टी ने जथेदार नूं जवाबी पत्र लिखा है। इस तो पहला जथेदार ने इस संबंधी जागो पार्टी के अंतरराष्ट्रीय प्रधान मनजीत सिंह जी के 27 जुलाई में पत्र भेज के जांच लई लिखित मंजूरी मंगी सी। जथेदार नूं भेजे गए पत्र च जीके ने कहा है कि दिल्ली कमेटी प्रबंध कमेटी प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा की टीम के रेंदे हुए निरपक्ष जांच नहीं हो सकती, इसलिए सिरसा ते जनरल सकत्तर हरमीत सिंह कालका नूं अपने अहुदिआं तों मुक्त करके निरपक्ष जांच का राह पदरा किया जाए। भाई सतवंत सिंह जी भाई केहर सिंह शहीद के बेटे ने और ये दिल्ली दे विच जिस तरीके नाल इस परिवार ते तशद्दुद होया इंदिरा गांधी के मर्डर तो बाद भाई केहर सिंह नूं फांसी हुई सी और इस परिवार नूं पूरी तरह खत्म करन दा रोलन दा प्रोग्राम कांग्रेस ने किया जिस तरीके नाल इत्थे तशद्दुद होया सी। अफसोस यह है कि दिल्ली गुरद्वारा कमेटी का कोई प्रधान रहा होवे वह हमेशा इस परिवार के वास्ते सुहिरदगी रखता सीगा, हर किस्म की मदद करता सीगा, लेकिन जेडे एडे साल तो इन्हों का वड्डे भरा ने छोटे रजिंदर सिंह जेडे वड्डे ब्रदर ने इन्हों के उन्होंने नौकरियों खारिज करता, दिल्ली कमेटी ने उन्होंने घर बिठा दिता और उन्होंने यह भी आख्या कि अपना मकान भी खाली करो, मोती बाग साहब इन्हों रिहायश दिखती गई है, जिसका खुलासा जीके ने ना करते हुए उक्त मामलों को गुप्त दसिया है। जीके ने पत्रकारों नाल गलबात करते हुए दिल्ली कमेटी के मैंबर चमन सिंह शाहपुरा नूं जागो दी दिल्ली इकाई ते जसवंत सिंह बिट्टू नूं दखनी दिल्ली जिले का प्रधान थापन का ऐलान किया। इस मौके इंदिरा गांधी कतल मामले फांसी की सज़ा प्राप्त करने वाले भाई कहर सिंह के पुत्र भाई सतवंत सिंह जी नूं जीके ने सिरपाओ दे के पार्टी च शामिल किया। प्रधानों की मीटिंग बुलाई सी, फॉर्मर प्रेजिडेंट और सिटिंग प्रेजिडेंट मनजिंदर सिंह सिरसा सरना भरा दोनों अवतार सिंह हित और मेरी उस मीटिंग दे विच सिंह साहब ने बुलाई गई सी कि जिहड़ा एमएस ब्लॉक हरिनगर स्कूल है उस स्कूल के कागज़ जिहड़े ने वह हित साहब नूं उस स्कूल वेचण दी या उन्होंने ट्रांसफर करन दी एक साजिश लई मनजीत सिंह दे नां दी चिट्ठी कढ़ी गई सी। उस चिट्ठी ते मीटिंग बुलाई गई सी, मनु सिंह साहब ने पुछया दसो जी ये तुहाडे दस्तखत ने, मैं कहा जी मेरे दस्तखत गुरद्वारा कमेटी 10,000 रुपए ने, मिला ले जाने मेरे दस्तखत नहीं ने। दूजी गल चिट्ठी दी पहले पैरे का फोंट होर है, दूजे पैरे का फोंट होर है, ये चिट्ठी किसी ने बनाई है तो उन्होंने कहा जी कि दसो फिर किन्ने बनाई है, मैं कहा जी जवाब तो देन हित साहब जिन्होंने कोर्ट जमा कराई है या मनजिंदर सिंह सिरसा जिन्हें मीडिया नूं रिलीज़ की, मैं तो रिलीज़ नहीं की। जदों हित साहब नूं पुछया सिंह साहब ने, हित साहब ने आख्या जी मनु ये चिट्ठी मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिती सी, उत्थे सिंह साहब ने कहा मनजीत सिंह तू तो बाहर हो गया, तू कंप्लेंट लिख कि इहदी इंक्वायरी की जाए, मैं उस वेले लिखत उत्थे कंप्लेंट दे दित्ती सी। एक मसला 10 लाख रुपए का सी कि GTBIT 10 लाख रुपया गया सीगा, मैं उहदी भी डिटेल देती कि सिंह साहब ये पैसा गया सीगा कॉलेज नूं, हित साहब उत्थे चेयरमैन ने इत्थे बैठे ने, इन्हां नूं पुछया जावे 10 लाख आया सी, वो कहिंदे हाँ 10 लाख रुपया मेरे कोल आया सी, मैं कहा जी वे मेरे ते केस क्यों है, हित साहब कहिंदे कि सरसे ने झूठे कागज़ बना के साइन ये केस पाया मनजीत ते। ये दोवें गल्लां दा खुलासा सारे प्रधानां के सिंह साहब दे अगे होया। मैं समझदा वां कि सिंह साहब ने हुण लिखती रूप दे विच ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰ ਦਿਓ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਹਰੀਨਗਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਕੰਮ ਹੈ ਨਕਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਔਰ ਨਕਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ ਇਹ ਗਲਤ ਕਾਗਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰਾਉਣਗੇ ਔਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।